फिर चली गोली, किसने लगाई इसकी बोली, किसने किया बलात्कार, क्यों हो जाती है सिस्टम लाचार, सब होगा बेनकाब, नहीं चलेगा अपराध का खेल। देखते रहिए प्रत्येक न्यूज लाइव पर क्राइम सीन। बाढ़ अनुमंडल के पंडारक थाना अंतर्गत मंझला बीघा गांव में शनिवार की शाम एक कुख्यात को गोलियों से भून डाला गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके साथ ही अपराधियों ने हत्या कर फिर से एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। शनिवार की रात को ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई, जिसमें पंडारक और टाले इलाके के कुख्यात विजय उर्फ बोहरा यादव की मौत हो गई। पुलिस इसे गैंगवार के रूप में देख रही है। पुलिस के मुताबिक रात करीब 9 बजे बहरा यादव अपने घर के बाहर बैठा था, उसी दौरान दो मोटरसाइकिल पर सवार होकर कुछ लोग आए और ताबड़तोड़ गोलियां मारते हुए फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। पुलिस पूछताछ करने का प्रयास कर रही है, पर किसी ने भी कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। ज्ञात हो कि कुछ समय पहले ही विजय यादव उर्फ बहरा जेल से छूट कर आया था और शनिवार की रात उसकी हत्या हो गई। बहरा यादव इलाके में एक दशक से दहशत का दूसरा नाम बना हुआ था। इसकी वजह एक दशक पहले 7 लोगों को गोली मारकर हत्या कर टाल इलाके में अपनी बादशाहत कायम करना बताया जाता है। लंबे समय तक बहरा जेल में अपनी सजा भुगत चुका था। पुलिस की माने तो टाल इलाके में वर्चस्व को लेकर आगे भी इस तरह की घटना हो सकती है। क्या घटना घटित भैया? घटना, हम लोग आ रहे थे मिल पर से बंद करके, तीन मोटरसाइकिल सवार 9-10 आदमी, 9 आदमी आया अंधाधुंध AK-47 AK-47 से मेरे पिताजी को सिर में गोली मारना स्टार्ट की। आप लोग नहीं थे उसे? आप लोग नहीं, आप लोग, हम लोग वहीं पर थे, आके घेर लिए और अंधाधुंध सिर में मेरे पिताजी को गोली मारना स्टार्ट कर दिया। कितने गोली लगी है सर? करीब 20 गोली लगी। खोखा कितना बरामद हुआ होगा? लगभग खोखा 15 को बरामद हुआ। सब है AK-47। मौके पर ही मौत हो गई? मौके पर मौत हो गई। क्या आशंका है भैया आप लोग? क्या आशंका लगा रहे हैं? हम लोग सबको पहचान गए हैं, गांव का ही है, गांव का ही है। पुरानी रंजिश को लेकर हुई है, पुरानी दुश्मनी थी क्या? हाँ, पुरानी दुश्मनी के कारण तो नहीं हुआ, पहले से वो मेरे चाचा को भी 5 साल पहले बल्लर गांव में घेर कर हत्या कर दिया गया था। यही सब लोग है, इसी को हम पहचानते हैं। पुलिस के सामने नाम खोले कि नहीं? पुलिस क्या करेंगे, मेरे चाचा में भी पुलिस सबको साक्ष छिपाने के लिए दो के ही नाम किए थे, तो हम प्रोटेक्ट कोर्ट द्वारा फाइल करके फिर सबको कोर्ट सबको नाम जोड़े थे। पुलिस तो नाम काट ही दिया था, लेकिन प्रोटेक्शन कोर्ट में लगाए थे तो कोर्ट हमको राह दिया कि सभी को आरोपी बनाया था, बनाया गया। इसमें भी आशंका है कि हमको सभी आरोपी को नाम काटने की आशंका लग रहा है, लेकिन हम प्रोटेक्शन फाइल करेंगे कोर्ट में, कोर्ट से हमको निकले मिलेगा। लोगों को आप लोग संदेह में लिया है, पहचान? संदेह में 9 लोग को हम पहचाने हैं। 9 लोग को पहचान गए। अब आगे क्या आशंका लग रही है आप लोग को? भी डर भाई कुछ सता रहा है, खतरा है? खतरा है नहीं, घर पर ही चढ़ के इसे किया तो खतरा है नहीं। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार। आप पुत्र हुए उनके? कैसे हुआ घटना? कैसे बैठल था ये लोग 8:30 बजे बैठल थे घर के बगल में, केवल एगो अस्थी है बिजो मातो का घर है, वह अस्थी बनल है, वो जो बैठल थे, कोई गाड़ी वाला आया उतर करके धुका करके बोलता है जिसन की वजह, तो हम तो थाना में थे नहीं, बाकी क्यों ले मोटरसाइकिल वाला आया वही गोली चला के मार दिया। कितना गोली चला था? 10 गो तो खोला खोखा मिला है। कहाँ पर? वहीं पर। आप कौन है? हम चौकीदार हैं। कहाँ के? वही मछली बजार। कौन था? पंडारक थाना। घटना हुआ है,